सीरियल है एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एक केमिकल शराब को बनाता है नशीला, ज्यादा होने पर ले लेता है जान। असम में 7 रोहिंग्या और 1 बांग्लादेशी गिरफ्तार। बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता को बोस्टन में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आमंत्रण। अब देखते हैं खबर विस्तार से। यूपी उत्तराखंड में जहरीली शराब अब तक 100 से अधिक लोगों की जान ले चुकी है। हादसे के बाद से पुलिस की छापेमारी में अवैध शराब बनाने वाली सैकड़ों शराब भट्टिया का खुलासा हुआ है। बनी हुई अवैध शराब भी बरामद हो रही है। एक्सपर्ट की माने तो शराब माफिया अवैध शराब को और अधिक नशीली बनाने के लिए खास केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो ये जान लेना शुरू कर देता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर तनेजा बताते हैं, आमतौर पर कानूनी तरीके से शराब या बियर बनाने के लिए मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइसेंस से मिलता है और खुले बाजार में उपलब्ध भी नहीं है, लेकिन शराब माफिया अवैध शराब बनाने के लिए मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। ये खुले बाजार में आसानी से आम इंसान की पहुंच में है। अगर ये 1 क्वालिटी के मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो ये बाजार में 500 से 600 रुपए लीटर तक मिल जाता है। अवैध शराब बनाने वाली इसी मिथाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गड़बड़ तब होती है जब माफिया शराब को तेज और ज्यादा नशीली बनाने के लिए इस घोल में मिथाइल की मात्रा बढ़ा देते हैं। गुवाहाटी असम के सिलचर शहर में आज 7 रोहिंग्या सहित 1 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें सिलचर सोनपारी बाईपास से सईदुल इस्लाम बागभुयान के घर से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सईदुल इस्लाम बागभुयान नाम के इस शख्स के मानव तस्करी समूहों के साथ संबंध होने का संदेह है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में से 6 महिलाएं हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन्हें जम्मू कश्मीर, दिल्ली और मणिपुर भेजा जाने वाला था। सूत्रों के मुताबिक इस बात की पुष्टि रंगिरथाई पुलिस स्टेशन के उत्तुल चंद ने की है। भारत में #MeToo की हलचल करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता को बोस्टन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। इसलिए तनुश्री दत्ता ने खुद ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके जानकारी दी है। 16 फरवरी को इंडिया कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 2019 हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के विद्यार्थियों ने एक फ्लैगशिप कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम के लिए तनुश्री दत्ता को कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया है। तनुश्री ने किए गए #MeToo की हलचल के बाद भारत में यह हलचल कुछ ज्यादा ही चलने लगी। अनेक महिलाओं ने अपने साथ हुए शोषण को खुलेआम बताया। इसलिए बॉलीवुड के कुछ बड़े दिग्गजों के नाम भी सामने आए हैं। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक धन्यवाद।